अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं अमाना मॉल जहाँ पे चिल्टन प्योर ने कराया है एक हेल्थ कैंप मुनक्द। और आज हम वहाँ जाएंगे और उधर देखेंगे कि कौन से हेल्थ प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, हम उनसे किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं। और मैं हूँ ज़ैनब गोंदल जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बाकी डॉक्टर्स से, डर्मेटोलॉजिस्ट से स्किन के बारे में पूछते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि किस तरह से चिल्टन प्योर के साथ उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं, अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हेल्थ कैंप में आ गई हूँ और हम डॉक्टर्स से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग उनसे आखिर क्या पूछ रहे हैं, क्या लोगों की क्यूरीज हैं, क्या परेशान उनको कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो लोग क्या मसले फेस कर रहे हैं, क्या आप उनको रिकमेंड कर रही हैं? देखें, आजकल जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, हीट वेव बहुत ज़्यादा जो है, तो उसके लिए मैं उनको रिकमेंड कर रही हूँ कि सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। इवन आप घर से बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, घर में भी आप इवन क्या, अगर आप चूल्हे के आगे भी जा रहे हैं ना, तो आप सन ब्लॉक लगा के जाएँ। दूसरा, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। 8 to 12 ग्लास तो हम लोग रिकमेंड करते हैं ना, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा है जो पानी में डाल के लें तो गर्मी इससे ज़्यादा बेहतर हम फाइट कर सकते हैं? जी, हम सत्तू का यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका कूलिंग इफेक्ट है, वो अंदर से आपके जो कहते हैं ना लोग कि उनको मैदे की गर्मी हो रही है, तो उसको भी कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को भी फ्रेश रखेगा, आपको हेल्दी रखेगा। ये तो आपने मैजिक बता दी है हमें कि हम अपनी स्किन को भी अच्छा रखें और वैसे भी हाइड्रेटेड रहें। और क्या मसले लोग फेस करें? और साथ जैसे देखें, स्किन ड्राई हो जाती है गर्मी की वजह से, तो आप जो हमारे फ्लोरल वाटर्स हैं बहुत ज़्यादा, आप रोज टोनर बार बार, मतलब आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप फटाफट से स्प्रे कर लें, आप एकदम हाइड्रेट फ्रेश फील करेंगे। अगर आपको ज़रा सी थकन हो जाती है, इवन थोड़ा सा काम करते हैं, स्किन भी तो आखिर हमारे मसल्स हैं, वो थक जाते हैं, तो उसको आपने थोड़ा एनर्जाइज करना है, तो फटाफट आप स्प्रे कर लें, आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। गर्मी आते ही हमारे स्किन पे एक्नी मार्क्स और निशान, डिसकलरेशन, धूप में जाने से मेलाटोनिन बनता है जिसकी वजह से स्किन कलर खराब होता है। तो आज हम पूछते हैं कि आप क्या रिकमेंड कर रही हैं अपने पेशेंट्स को चिल्टन प्योर की तरफ से कि क्या यूज करें और कैसे बेहतर करें स्किन को। तो जी मिस विजय, आप बताइए। इसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास सीरम है वो नायासिनामाइड है, वाइटामिन B3 का ही दूसरा नाम है नायासिनामाइड, और ये आप रात को सीरम लगाएं तो आपके ये सारे इश्यूज को सॉल्व कर देगा। और 3 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तो आपको बाकी डिफरेंस फील होगा कि आपके डार्क स्पॉट्स भी लाइट हो गए हैं और आपकी बाकी सारी जो स्किन इश्यूज है ना, उनमें भी आपको नुमाया बेहतर ही नजर आएगी। ये तो आप हमें बता रही हैं कि मैजिक और वंडर्स हो जाएंगे स्किन पे। Honestly, मैजिक ही एक सही वर्ड है। ओह दैट्स नाइस। तो क्या स्किन का जो बेस्ट फ्रेंड है विटामिन सी सीरम, उसको यूज करने से क्या फायदे हैं, वो हमें थोड़े से बताइएगा प्लीज। उसके भी काफी सिमिलर बेनिफिट्स हैं, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन थोड़ी टाइट फील होना शुरू हो जाएगी, जो कॉलेजन की कमी हो जाती है तो वो भी उससे जो है ना रिजॉल्व हो जाएगी, तो वो भी एक मैजिक ही कहेंगे उसको भी। तो लेकिन ये पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंटली आप जब ये चीजें यूज करेंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा। बेसिकली कंसिस्टेंस इज द की, जैसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे, चीज़ें यूज़ करेंगे तो ही फायदा होगा, इसीलिए कंसिस्टेंट होकर चीज़ों को यूज़ करें। थैंक यू। देसी घी का इस्तेमाल हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, क्या आज भी ये लोगों में उतना ही मकबूल है? तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मेरा नाम राशिद है। तो देसी घी जो है ना, सब जो है, जब हम छोटे होते थे हमें पता है कि वो देसी घी खाते थे रोटी के साथ, अम्मी के हाथ का बड़ा मजा था। लेकिन अब देसी घी जो है ना बहुत कम हो गया ना, लोग खाते नहीं है, ये जो मार्केट का ऑयल है यही यूज़ कर रहे होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर देसी घी हम इस्तेमाल करें, और चाहे थोड़ी मकदार में करें, करना चाहिए, और जो मेहनत लोग करते हैं वो जरूर करें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चिल्टन प्योर जो है वो देसी घी प्योर फॉर्म में इसीलिए लेकर आ रहा है ताकि लोग जो है वो काम करें और मेहनत करें, चाहे थोड़ी मकदार में ले, लेकिन अच्छा देसी घी ले। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने वो इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या रिव्यूज हैं आपके उसके बारे में? नहीं, मैंने इस्तेमाल किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाकी लोग भी अगर इस्तेमाल करें, चेक करें, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो जरूर उसको कंटिन्यू करें, तो ये अच्छा है। तो मैंने तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल कर रही थी, आप मुझे बता रही थी चिल्टन प्योर का, तो आपको क्या बेनिफिट्स फील हुए हैं, क्या चेंजेस आपको अपनी स्किन में फील हुए? जी, पहले से ज़रा फ्रेश स्किन लगती है मुझे, और काफ़ी मुझे उससे फ़र्क फील हो रहा है, तो
आई वुड रेकमेंड के और भी लोग खासतौर पर समर्स में यूज करना चाहिए। तो एक्ने और ब्रेकआउट्स को भी इससे फर्क हुआ है आपके? जी पहले से बेहतर है, काफी मुझे फर्क फील हो रहा है, तो अच्छा है मेरे तरफ से, तो मैं उसको एक ग्रेड भी दूंगी। अच्छा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमने चिल्तन प्योर के साथ बहुत सारी जो है प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और किस तरह से अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर्स ने हमें बहुत सारी टिप्स दी, हम उनको ज़रूर अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और अमाना मॉल में आपको मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा, मैं यकीन रखती हूँ। हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आप हमारा हिस्सा ज़रूर बनेंगे। थैंक यू सो मच।